हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी जायफल का यूज़ कैसे करना चाहिए, जिससे कि हमारे चेहरे पे जितने भी झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि जायफल का यूज़ कैसे करना है। जायफल का यूज़ जो है ना, मसालों में यूज होता है और ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और ये जायफल जो है ना, हमारे चेहरे पे लगाने से हमारे चेहरे के जितने भी झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, साथ में अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा रहता है जायफल जो है हमारे चेहरे के लिए। पुराने ज़माने से जायफल का यूज किया जा रहा है और इससे ना हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा जो निखार है वो भी आता है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जो खाली बाउल लिया है इसके अंदर मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। फ्रेंड्स, दही जो है गाढ़ा लेना है, और अगर आपके पास घर का बना हुआ दही है तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर मार्केट वाला दही है तो आप वो भी ले सकते हैं। दही जो है हमारे चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे चेहरे पे जितने भी झाइयों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, उसे दूर करता है। साथ में हमारे चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ जाती है उन्हें भी ठीक करता है। अगर आपके चेहरे पर अच्छा निखार चाहते हैं तो दही का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच दही लिया है। उसके बाद जो जायफल मैंने आपको दिखाया था उसका मैंने पाउडर बना लिया है। मिक्सी के अंदर आराम से इसका पाउडर बन जाता है, इसे थोड़ा सा कूट करके आप पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपको इसका पाउडर जो है आधा चम्मच लेना है, जायफल का पाउडर आपको आधा चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये हमारे चेहरे की जितनी भी झाइयाँ हैं उन्हें ठीक कर देगा, हमारे चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं उन्हें ठीक कर देगा। हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहता है जायफल। तो आधा चम्मच जायफल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने जायफल ले लिया है, 2 से 3 चम्मच जो है दही लिया है। और दही आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और दही आपको पतला नहीं लेना है, गाढ़ा ही लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज़ जो मैंने ली है वो मात्रा मैंने आपको बता दी है, बिल्कुल उतना ही लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ पतंजलि का चंदन पाउडर। ये चंदन पाउडर मुझे बहुत सूट करता है, बहुत ही अच्छा है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ये जो पतंजलि का चंदन पाउडर आता है ना, इसमें एक तो कपूर की खुशबू आती है, बहुत ठंडक देता है हमारे चेहरे के लिए, बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में चंदन पाउडर क्या करता है, हमारे चेहरे की झाइयों को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, हमारे कलर को फेयर बनाता है। हमारे चेहरे के लिए चंदन पाउडर बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास कोई और चंदन पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये चंदन पाउडर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने चंदन पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, चंदन पाउडर जो है ना बहुत अच्छा रहता है, अगर आप रोज़ इसे अपने चेहरे पे लगाते हैं ना तो इससे भी आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक होती है। तो जायफल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास जायफल नहीं है तो आप मार्केट से लेके आ जाइए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच शहद। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे शहद लिया है। शहद जो है ना हमारे चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है, हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज रखता है, हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो लाता है। तो शहद भी हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो 1 चम्मच भर कर आप शहद ले लीजिए। अच्छे से इन सबको मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करें। ये फेस पैक बन के तैयार हो जाएगा, हमारे चेहरे की जितनी भी प्रॉब्लम है, झाइयों की, दाग धब्बों की, उन्हें दूर करेगा। साथ में अगर झुर्रियाँ हैं तो उन्हें भी ठीक करेगा। फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाएं, दाग धब्बे ठीक हो जाएं, तो ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और इसे लगाने से आपके चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बे दूर होने वाले हैं। साथ में अगर आपके चेहरे पर पिम्पल्स हैं तो वो भी ठीक होंगे। तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे लगाइएगा ज़रूर। और इसे लगा के अपने चेहरे पर आपको रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और इसे आप हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी रेमेडी है, कोई भी होम रेमेडी एक बार में काम नहीं करती है, इसको लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके चेहरे की झाइयाँ ज़रूर जाएगी। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए फटाफट से इसे लगा लेते हैं पूरे चेहरे पे। तो इस फेस पैक को आपको पूरे चेहरे पे लगाना है। इसे लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, उसी के बाद लगाना है।
आप चाहें तो इसे नाइट में लगा सकते हैं या फिर सुबह नहाने से पहले लगा सकते हैं। इसका रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो आप नाइट में सोने से पहले लगाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, साथ में आपके चेहरे की झाइयाँ, झुर्रियाँ, दाग धब्बे वो भी दूर होने वाले हैं। तो आप इसे क्या करें, अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा लें। मैंने यहाँ पे ब्रश से लगाया है, आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं। अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा लेना है और लगा करके आपको इसे छोड़ना है, 15 से 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे पूरे चेहरे पे लगा रही हूँ, लगाने के बाद मैं इसे लगा के रखूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए, और आप चाहें तो इसे 20 मिनट भी लगा के रख सकते हैं, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई कीजिएगा। और मैंने अपने फेस को गुनगुने पानी से वॉश कर लिया है, आप चाहें तो ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप भी चाहते हैं आपके चेहरे की दाग धब्बों की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम दूर हो जाएं, तो ये रेमेडी ज़रूर लगाएं अपने चेहरे पे। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स होने लगे हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं, तब भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 3 बार यूज़ करना है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, आप इसे ट्राई करेंगे तभी आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।